आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ किस तरीके से हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही गजब की चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पिवट टेबल जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमें फिल्टर की या मल्टी पिवट की। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कस्टमर वाइज या जोन वाइज हमने प्रॉफिट निकाला कि किस जोन में कितना प्रॉफिट है, मेरा निकल के आ गया। लेकिन मैं इसको कैटेगरी के हिसाब से या सब कैटेगरी के हिसाब से इसको फिल्टर करना चाहते हैं, तो कैटेगरी सब कैटेगरी रीजन मैंने यहाँ पे डाल दिया और डेटा दिख भी गया। अब मैं यहाँ से एक एक करके फिल्टर करके चेक करता हूँ कि एसेसरीज का आ गया, एसेसरीज में मैंने फर्नीचर सेलेक्ट किया तो फर्नीचर का डेटा नहीं है। तो कैटेगरी के अंदर किसका डेटा है मुझे एक एक करके चेक करना होगा कि हाँ ऑफिस में अप्लायंस का डेटा है, टेक्नोलॉजी का डेटा नहीं है। मतलब कि जब तक मैं सिलेक्ट ना करूंगा तब तक पता नहीं चलेगा कैटेगरी के अंदर कौन कौन से के अंदर डेटा है, किसका डेटा नहीं है। एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है जब हम बात करते हैं मल्टी पिवट की। क्या होता है कि एक ही पिवट पे हम दो अलग एक ही डेटा पे हम दो अलग अलग पिवट लगाते हैं, एक ही डेटा पे दो अलग अलग पिवट लगाते हैं। अब दो अलग अलग पिवट लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉफिट का यहाँ पे लगाया हुआ है और मान लीजिए प्रॉफिट के साथ साथ हमने यहाँ पे सेल्स वैल्यू भी डाल दी। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर हम चार्ट्स लगाते हैं विजुलाइज करने के लिए, तो आप देखेंगे आपका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट नहीं दिखने के पीछे रीजन है कि वो इतना छोटा है आपके सेल्स के अकॉर्डिंग कि एकदम नीचे चला गया, नीचे एकदम बैठ गया होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों दिखे, दोनों को एनालाइज हो, तो हम क्या करते हैं दो अलग अलग पिवट बनाते हैं। तो डेटा पे जाते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट दिख रहा है इस पे जाते हैं, और एक लोकेशन जिस लोकेशन में आपको पिवट दूसरा पिवट चाहिए उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं जून बाइज टोटल सेल्स वैल्यू का निकालते हैं। अब दोनों को हम अलग अलग चार्ट बनाएंगे ताकि हम उसको एनालाइज कर सके। इसका भी हम अलग से चार्ट बनाएंगे। तो अब समझ में आ रहा है ना, मैं एनालाइज हो रही है हमारी अच्छे से, क्या समझा बासी जी? बासी जी जी सर, यस सर। अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि मान लीजिए कि मुझे एक रीजन सेलेक्ट करना या एक कैटेगरी चेंज करना है कि मैंने बोला फर्नीचर, तो फर्नीचर का सेल्स आया, लेकिन फर्नीचर के सेल्स की मेरा एक ही पिवट चेंज हुआ, बाकी पिवट चेंज नहीं हुए। अभी दो है फिलहाल, लेकिन हो सकते हैं 3 4 5 7 हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास दो ही है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो बेसिकली उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी स्लाइसर्स की। तो हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, यही पे आपको दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में मुझे जोन के हिसाब से ये कस्टमर के हिसाब से जोन था है, कस्टमर रीजन कैटेगरी सब कैटेगरी आ गए सर। अब इसको अपने हिसाब से छोटा वगैरह कर दीजिए, अरेंज कर सकते हैं जहां अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ 8 सेलेक्ट करता हूं तो मेरा पिवट 8 के अकॉर्डिंग होता है। बाइंडर सेलेक्ट करता हूँ तो बाइंडर अकॉर्डिंग होता है। बुक केस करता हूँ तो बुक केस के अकॉर्डिंग होता है।
अभी फिल्टर लगा रखने की जरूरत नहीं है, मैं राइट क्लिक करके शो फील्ड में जाके इन सारे फिल्टरों के यहां से रिमूव कर देता हूं। अब मैं यहां जो सिलेक्ट करूंगा वही फिल्टर लगेगा। देखिए अभी भी मेरा एक ही चार्ट मूव हो रहा है, एक ही पिवट मूव हो रहा है, दूसरा पिवट मूव नहीं हो रहा। देखिए दूसरा पिवट मूव तब होगा जब दूसरे को हम कनेक्ट करेंगे, और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा पिवट टेबल की एनालाइज के अंदर, जहां से आपने स्लाइसर को इंसर्ट किया था उसी के बगल में आएगा फिल्टर कनेक्शंस। फिल्टर कनेक्शंस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, जितने भी आपके स्लाइसर यहां पे है यहां क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। अब देखिए अब मैं यहां पे आर्ट करूंगा, दोनों चेंज हो रहा है। अब यहां पे एक हुई है, सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि मैंने मान लीजिए एसेसरी सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे देखिए एसेसरीज के अंदर दिल्ली आगरा बिहार में डेटा नहीं है, इसमें आपका कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर हटा देता हूँ, कॉपरेट कर देता हूँ। अब इसमें देखिए सिर्फ ऑफिस सप्लायर है, फर्नीचर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको यहीं पे पता चल जाता है कि किसका डेटा है और किसका डेटा नहीं है। दिल्ली पे क्लिक करते सिर्फ आर्ट और बाइंडर का है, कस्टमर होम ऑफिस का है और फर्नीचर का डेटा है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका स्लाइसर कैसे वर्क कर रहा है। अब बात आती है डेट कि मान लीजिए मेरे सिस्टम में डेट है, मुझे मंथ वगैरह से फिल्टर करना है, तो आप अगर पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे तो बीच में आपको दिखता है इंसर्ट टाइम लाइन। इस इंसर्ट टाइम लाइन पे मैं सिलेक्ट करके क्लिक करके ओके करता हूं तो यहां मेरे पास डेट आ जाते हैं, आगे डेट, हमें जो पीरियड सिलेक्ट करूंगा उस पीरियड का यहाँ पे डेटा आएगा। ईयरली है, यहां से ईयर भी है आपका, मुझे ईयर मंथ वाइज नहीं ईयर वाइज चाहिए, तो मैंने ईयर कर दिया 2016 डेटा आ गया, 2016-17 चाहिए 2016-17 आ जाएगा। ठीक है बासी जी? जी सर जी।